ठीक, और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। शिवम, आप हमें ध्रुव जी के साथ क्यों भेज रहे हैं? आप तो सारी सच्चाई जानते हैं, उसके बावजूद अकेले भेज रहे हैं हमें। जानबूझकर मैं चाहता हूँ कि तुम ध्रुव का गुनाह खुद उसके मुंह से उगलवाओ। मगर कैसे शिवम भैया? इसकी एक तरकीब है मेरे पास। हमें किसी भी तरकीब या खेल का हिस्सा नहीं बनना है। अर्पिता मेरी बात समझो, जब तुम दोनों वहाँ अकेले होगे तब मैं वहाँ ऐसे हालात बना दूंगा कि उसे सच बोलना ही होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं शिवम भैया, ये खेल और हालात में हमें मत उलझाइए। देखो, ठंडे दिमाग से सिर्फ सोचो, अगर ध्रुव गुनेगार है तो उसे सजा देने का हक सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा शक बेबुनियाद निकला तो वो हत्यारा नहीं होगा, फिर तुम सारी जिंदगी उसके साथ निश्चिंत होकर प्यार से बिता सकती हो। फिर ध्रुव हत्यारा नहीं होगा, फिर वो सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम ऐसी जिंदगी बिताना चाहती हो ना उसके साथ? अब तुम बताओ, क्या तुम दोनों को अकेले जाने को कहकर मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं ना। आपको बड़े मालिक ने अभी बुलाया है। तुम मेरा आखिरी शिकार हो और तुम मेरे हाथों नहीं, अपने ही पति के हाथों मारी जाके ध्रुव के हाथों।